बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन मेरे माँ बाप का कहना था कि मैं खुद एक गलती हूँ, क्योंकि दिन में 10 गलतियां तो करता रहता हूँ। क्या रिपोर्ट लिखी है तुमने? ये हर जगह पे प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अबे उल्लू के बच्चे से गाड़ी मार दी। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो मैंने तब कर दी जब होम लोन लेकर इस सोसाइटी में फ्लैट ले लिया, जहां मुझे क्या पता था कि मेरी बुरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। ओ हेलो भाई साहब, ओ ये क्या पार्किंग अपने बाप की है? गाड़ी हटाओ यहां से। मैडम मेरी बिल्डिंग की पार्किंग, मैं गाड़ी चाहे यहाँ लगाऊं चाहे वहां लगाऊं चाहे अपनी छत पे लगाऊं, मेरी मर्जी है ना, आप क्यों बीच में चौधरी बन रहे हो? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, ये पार्किंग ना फ्लैट नंबर 14 वालों की है, समझे? तो 14 नंबर फ्लैट वाले बोलेंगे ना मेरे को आके, आप क्यों उनकी वकालत कर रहे हो खाम खा की? अगर यहाँ किसी की गाड़ी लगेगी ना तो वो है फ्लैट नंबर 14 वालों की, यानी कि मिस श्रेया कुमारी। कौन है? श्रेया कुमारी। तू 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 इस बिल्डिंग में रहती है? जी हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा तो तब लाइफ में लगती है जब आपकी एक्स ही आपके पड़ोसन के रूप में सामने आती है। आइए मिस्टर ग्लैड, आ गए? बिल्कुल आ गए हैं, पर आप ये न्यूज़ फ्लैश क्यों दे रहे हो? क्योंकि कोई आने वाला है आज। देख शिवांगी, इस तरीके से लोग है ना पिक्चरों में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं, तो प्रेग्नेंट है क्या? नहीं पागल आदमी, कोई और आने वाला है। तेरे को 50 बार समझाया, इस टाइम पे ना कबाड़ी वाले को मत बुलाया कर। गुलाटी कबाड़ी वाला नहीं, कोई स्पेशल आने वाली है। डोंट टेल मी तेरे को भाई मिल गया। चलो शुक्र है भगवान का कि मेरी ड्यूटी खत्म हुई पोछा मारने की। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है तुम्हारी, पोछा तो अभी भी तुम ही लगाओगे। खैर ये सब छोड़ो, इस सोसाइटी में मैंने एक नई दोस्त बनाई है, वो आज मुझसे मिलने आने वाली है। तेरा सेट है, नई सोसाइटी नए दोस्त है। अब देख क्या रहे, जल्दी से जाओ और अच्छे से रेडी होके आ जाओ। क्यों दूल्हा बन के आ जाओ? है अपनी शादी के लिए पसंद करने आ रही है वो मेरे को? आई मीन कुछ बढ़िया सा टिप टॉप बन के आ जा। अब मैं नहीं चाहती ना कि मेरे दोस्त तुझे देखे और तुझे मजदूर समझे। मजदूर तो तूने मेरे को बना ही रखा है, लेकिन अब तू देख ऐसा रेडी हो क्या होगा ना कि तेरे दोस्त कहेगी इसके जैसा मत यारा सबको मिले। ओके इश्क दी कली चन्नो एंट्री ना 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 ना। गुलाटी मैंने तुझे तैयार होने के लिए कहा था, तू तो पूरा हीरो बन गया। यही स्टाइल है जी गुलाटी जी का, कहाँ रहेगी तेरी दोस्त, आई नहीं अभी तक। बस आती होगी। तू गुलाटी तमीज कहाँ गई तेरी, खड़े मेहमान से तू तड़ा कौन करता है? ये और मेहमान। गुलाटी चुप कर जा, मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती मत करवाओ, नहीं तो कल से बर्तन तू ही करेगा। श्रेया आओ अंदर। ये मिश्रा फ्लैट नंबर 14 में रहती है। जानता हूँ मैं। जानते हो? अभी तूने तो बताया ना, और वैसे भी सेम बिल्डिंग में रहते हो तो मिलना हो जाता कभी कभी नीचे। हाँ। तू एक काम करना, किचन से कुछ ले गया खाने के लिए है? हाँ तुम लोग बातें शादी करो, मैं कुछ लाती हूँ। तो ये तेरा घर है? जी नहीं, किराए का है। अरे मतलब कि तू इस घर में रहता है अपनी वाइफ के साथ, और शिवांगी तेरी वाइफ है? हाँ शिवांगी मेरी बीवी है, तुझे की तकलीफ है? नहीं नहीं ऑल सेट, वेरी गुड। लाटी वैसे तो इतनी बातें शाते करता है, आज मेरी फ्रेंड आई है तो तू नॉनवेज लेके बैठा हुआ है। तेरी फ्रेंड है ना, मेरी तो एक्स है। कुछ बोल रहा है क्या, जोर से बोलना थोड़ा। मैं कह रहा था तेरी फ्रेंड है ना शिवांगी, तो तू बात कर, मैं क्या बात करूँ। अच्छा तेरे दोस्त आते तो कितनी बातें करती हूँ मैं। उनमें से कोई तेरा एक्स नहीं होता ना। फिर गुलाटी जो भी बोल रहा है ना, अपने गले का लाउड स्पीकर थोड़ा सा खोल के बोल, सुनाई नहीं दे रहा यहाँ तक। मैं कह रहा था कि सुनाई दे, तुझे कोई ऐसी बात मैंने करी ही नहीं है। तो बोल ना, कितनी स्वीट तो है श्रेया। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए? मनहूस नहीं, बहुत अच्छी घड़ी थी। तुझे पता आज क्या हुआ? आज हमारे दरवाजे से कोई न्यूज़पेपर दूध चोरी करके जा रहा था, श्रेया ने पकड़ लिया, फिर मैंने और श्रेया ने मिलकर उसकी इतनी पिटाई की मजा आ गया। और एक और बात, तुझे ये पता है मैं और श्रेया दोनों ही ब्लैक बेल्ट है टैकोंडो में। हाँ पता है, दोनों से जो पिटा वो गुलाटी
कान में हवा मत लो, जोर से बोल, जोर से। पर गेस्ट आए हैं, कुछ पूछ इनसे बातें शादी कर। क्या पूछूं यार इससे? इसका पूरा नाम श्रेया कुमारी है, दयानंद कॉलेज से पास आउट है, विद पूरे 98% हर सब्जेक्ट में टॉपर दिए, फ्रंट बेंचर है, मल्टीनेशनल कंपनी में इसकी जॉब लगी हुई है, KPMG में 25 लाख रुपए का इसका पैकेज है। क्या पूछूं? कुराटी, मैंने तो कुछ पूछने के लिए बोला था, तूने तो पूरी कुंडली निकाल रखी है इसकी। फेसबुक पे म्यूचुअल है ना, तो इसीलिए पता है। और फिर अपने पड़ोसियों का तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है ना, पता होना चाहिए। अच्छा, और कितने पड़ोसियों के बारे में तुझे पता है? और वैसे भी तुझे सुबह उठ के रात का तो याद रहता नहीं, इसके बारे में इतना सब कुछ पता है? और शेर, तुम इसे कैसे जानते हो? अरे यार शिवांगी, अभी तो बताया ना गुलाटी ने कि फेसबुक के थ्रू, और वैसे भी ये ना मेरे बड़े मामा के बड़े चाचा के छोटे बेटे के छोटे भाई का दोस्त होगा शायद, है ना? शायद कंफर्म है, कंफर्म है। डिस्टेंट कजन्स बोलते उसको। Excuse me guys, मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं अपने जो पानी की मोटर है ना वो ऑन ही छोड़ आई हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ। You guys enjoy, it was nice to meet you. अरे श्रेया बात तो सुनो, श्रेया बात तो सुनो। तो भाग तो भूत की लंगोट क्यों बन गई एकदम से? कौन है ये? बाबू श्रेया कुमारी। जितना मुझे याद है ना, मैंने तो उसका पूरा नाम नहीं बताया तुझे अभी तक। ये देख, तू शर्लॉक मत बन शिवानी, अभी तो तेरे को बोला कि फेसबुक पे म्यूचुअल नाम आ रहे, तू ये बता तूने खाने को क्या बनाया? मैं देख के आता हूं, तू बैठ। गुलाटी बेटा, गुलाटी अगर दाल में कुछ काला निकला ना तो उसकी माला तेरी अर्थी पे चढ़ूंगी, तू रुक। अरे यार शिवांगी, भाई क्या दाल बनाई तूने यार, आज मजा ही आ गया बिल्कुल ही। अब बस ये बता दे कि मसाला चाप कब खिला रही है? विनर विनर चाप एंड डिनर अब उसी को मिलेगा जो सच बोलेगा। सच बोलेगा? पर सच्ची तो बोला है, कितनी अच्छी दाल बनाई थी तूने, आज मजा आ गया। अब मेरे हाथ के ना मार भी खा लो अगर तुमने सच नहीं बताया ना कि तू श्रेया को कैसे जानता है। तू फिर वहीं पहुंच गई? मेरा तो नहीं पता, लेकिन ये फोन ना मम्मी जी को जरूर पहुंचाएगा, और फिर मैं उन्हें यहाँ पे रहने के लिए बुला लूंगी, इसके बाद तो उनसे खुद निपटना। भाई तू मम्मी को तो यहाँ बिल्कुल भी मत बुला लियो, क्योंकि मम्मी आ जाती ना तो फिर हमारा रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं हो पाता यार। और फिर मम्मी कहती है गुल्लू कभी इधर आ जा, गुल्लू कभी उधर चला जा, कभी ये लिया कभी वो लिया, एकदम गुल्लू का ना गोल गप्पा बना देती है यार। मम्मी का फोन मत करियो। देख गुलाटी, अगर तूने सच नहीं बताया ना तो पोछा लगाने के साथ साथ ना पूरे साल तू अब कपड़े भी धोएगा, और वो भी हाथ से। ओ पागल होगी क्या तू? पोछा मार मार के तो वैसे ही मेरी कमर की ऐसी तैसी हो रही है। आज ही बॉस मुझे बोल रहा था क्या ये कुबड़े की तरह तू चल रहा है, और तू और पोलियो का मरीज और बनवा दे मेरे को कपड़े धुलवा धुलवा के। हाँ तो सच बता देना गुलाटी। क्या बताऊँ? यही की श्रेया कुमारी का बर्थमार्क कहाँ पे है? कौन सा वाला, जो कान के पीछे है जो कमर के नीचे है? यार शिवांगी प्लीज गेट खोल दे यार, मैं तेरे को सब बताता हूँ यार। ये बाहर बहुत चूहे हैं यार, पिछली बार भी मेरा कच्चा कुतर गया था, प्लीज खोल दे यार। गुलाटी जो बोलना है ना यहीं से बोल। यार शिवांगी श्रेया मेरी एक्स है यार, और हमारा कॉलेज में कुछ ज्यादा टाइम के लिए चला भी नहीं था यार, सच में मां कसम। अच्छा तो इसलिए तो उस दिन मुझे बोल रहा था कि ऐसा तैयार होऊंगा कि मेरी दोस्त भी तेरे जैसा पति मांगेगी, क्योंकि तू तो पहले से ही चाहता था उसका पति बनना, है ना? अरे मेरी माँ, मेरे को तो पता भी नहीं था कि वो तेरी दोस्त बन चुकी है यार, और मैं तेरे को बता देता, लेकिन फिर मैंने सोचा यार हमारी नई नई शादी हुई है, कहीं बीच में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, इसीलिए नहीं बताया यार। सच में माँ कसम, क्यों छुपाऊंगा तेरे से? आजा अंदर, अब बाहर 2 घंटे खड़े होके तूने सच बोल ही दिया तो ठीक है, माफ कर देती हूँ। अरे यार भगवान तेरी जैसी प्यारी बीवी ना सबको दे यार, थैंक यू। आजा जिंदगी ने 2 मौके दे दिया, और ये मौका ना मैं अब जाने नहीं दूंगा। खुलो क्या बोल रहा है ये तू? जो कह रहा हूँ ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और ये ले डाइवोर्स के पेपर्स, और दहेज ना वापस मत मांगियो मेरे से, क्योंकि उसी के लिए मैंने तेरे से शादी करी थी। गुलाटी क्या हो गया? गुलाटी नाम का कौन सा भूत देख लिया तूने? तू मेरी
पागल है शिवांगी, मैं तो सो रहा था। किसी और पराई औरत के साथ सोते शर्म नहीं आती, हिम्मत कैसे हुई तेरी? फालतू की बहकी बहकी बातें कर रही है रात को, तू बाहर जाके सो, निकल। पागल है क्या? हाँ हूँ मैं पागल, निकल, तेरे साथ नहीं सोना मुझे। तो तू जा नहीं सोना तो मैं क्यों जाऊँ? हाँ तो जा ना। जा रहा हूँ ना पागल, मैंने आज तक अपनी डाइट के अलावा किसी पे चीट नहीं किया यार, सच में मार सकूँ। तू जा रहा है यहाँ से या बचपन में जिस नाई से बाल कटवाता था ना वो भी आज तक सेम है, उसको नहीं चीट किया, तू तो कर दूंगा। मेरे रूम से बाहर निकल जा, मुझे तेरे साथ नहीं सोना। पागल भाग यहाँ से। सब कुछ रख लिया तो गुलाटी? अरे हाँ सब कुछ रख लिया यार। हो हाय शिवांगी। हाय श्रेया। हाय शिवांगी। हाय श्रेया, तुम यहाँ? शायद मैं भी इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। ओह वो एक्चुअली इंसान जिन चीज़ों को भूलना चाहता है ना वो भूल ही जाता है, याद नहीं था मुझे। बाय द वे मेरे हस्बैंड को देखने के अलावा 10 चीज़ें और भी हैं इस जगह पे देखने के लिए, तुम उन्हें भी देख सकती हो श्रेया। और माना कि तुम इसके एक्स हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस पर डोरे डालोगे। शिवांगी कुछ भी बोल रही है तू? तुमने अपने हस्बैंड की खुद की हरकतें देखी हैं कभी? ओ हेलो मैडम, मेरे पति पे उंगली उठाने से पहले ना खुद के कॉलर में झांक के देख ली। और माना कि मेरा गुलाटी थोड़ा लंगोट का ढीला आदमी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी सोसाइटी में आके हमारी बेइज्जती करोगे। तुम तो ना चिल्ला क्यों रहे हो? आस-पड़ोस में देखो सारे ऊपर खड़े हुए हैं। वो हस्बैंड जो खुद थर्ड सेमेस्टर में होने के बावजूद फर्स्ट सेमेस्टर की लड़कियों को फूल देता था, हाँ वो फर्स्ट ईयर की लड़कियों को भी अपनी बहन ही मानता था, क्यों गुलाटी? दोस्तों की बहन समान मतलब? तुम क्या तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार, शर्म नहीं आती तेरे बड़े हो गए हो? चल हम लेट हो रहे हैं, आजा। ओके शिवांगी। श्रेया उल्लू की पट्टी, श्रेया नाम है उसका। श्रेया तो बोला मेरा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पता नहीं खुद को क्या समझती है, दूसरों के पति पे कैसे डोर डाल सकता है कोई, मतलब ऐसे लोग को तो तुम्हें। अरे बस कर दे शिवांगी बस कर दे यार, पूरे रास्ते ना मेरे नाम के जयकारे लगाते हो यार ये तुम। गुलाटी तू सच बता, तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? तू पागल हो गई क्या शिवांगी? अभी मेरी तरह से शादी हो चुकी है यार, पर तेरे से शादी करने के बाद ना मैंने किसी पराई लड़की की तरह आंख उठा के भी नहीं देखा यार, कसम लाल किले की। मजाक मत कर गुलाटी, तू एक बात बता मुझे, तुम लोग का ब्रेकअप क्यों हुआ था? हाँ बोल। हो गया तो छोड़ ना, अब तू क्या फालतू की पुरानी की बातों को लेके बैठ गई है? गुलाटी मुझे सच बता यार, वो ब्रेकअप क्या यार? वो श्रेया को है ना हायर स्टडीज के लिए बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए, तो इसलिए फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता, और तेरे को पता ही आजकल लॉन्ग डिस्टेंस कैसे चलते हैं, तो फिर हमने यही डिसीजन लिया कि हमारी ट्यूरिंग तो बैठेगी नहीं तो ब्रेकअप कर लेते हैं बस। बाहर कहाँ जा रहा है उसे? बाहर अपना यूके, यूके कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में, वो लंदन से पढ़ी है। अरे उत्तराखंड कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज यार, और मैं ठहरा दिल्ली का लौंडा तो अपनी ट्यूनिंग तो वैसे ही ना बैठती। और यार उसका और मेरा रिलेशन कुछ महीनों का था यार सिर्फ, तेरा मेरा तो पूरी जिंदगी का है ना। नहीं यार मैं ऐसे नहीं मानने वाली हूँ। मुझे पता था कि तू मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मैं इतनी गर्मी में है ना सिर्फ तेरे को ट्रस्ट कराने के लिए आइसक्रीम खिलाने के लिए लाया हूँ, वो भी तेरी फेवरेट। अब तेरे को जो खानी हो तू खा ले और दिमाग है ना अपना ठंडा कर ले। एक तो जब से हॉलीवुड पिक्चर देखने लग गया ना बहुत फ्लर्टी हो गया, मुझे ना तेरे क्यूट स्वरूप बहुत पसंद है। अरे भैया अरे यार ये श्रेया को क्या प्रॉब्लम है यार, फिर गाड़ी लाके मेरी जगह पे ही खड़ी कर दी है। कल समझाया इसको कि ये मेरी पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी मत लगाइयो। लातों के बूत है ना बातों से मानते ही नहीं है। दूसरों की गाड़ी के टायर से हवा निकालने की आदत शायद अभी तक तेरी नहीं गई है गुलाटी। श्रेया तू एक्चुअली तेरी गाड़ी के नीचे ना कुछ चला गया था, मैं वो ढूंढ रहा था। क्या तेरा दिमाग नहीं तेरी याददाश्त? क्या समझाया था कल मैंने तेरे को, ये पार्किंग मेरी है, यहाँ पे ना मेरी गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन तेरे लगता बुद्धि में ना बात जा नहीं रही है, फिर खड़ी कर दी तूने अपनी गाड़ी।
मैं हटाने ही वाली थी, और वैसे भी मुझे इमरजेंसी है, मुझे अपनी मम्मी से मिलने जाना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हड्डी का ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है क्या? हाँ यार, शी स्टिल इन रेमिशन। अच्छा, रेमिशन में है? कहाँ पड़ता है रेमिशन? दिल्ली में। अबे बुद्धू, रेमिशन मतलब रिकवरी, शी इज स्टिल रिकवरिंग, धीरे धीरे ठीक होंगी वो। ओ शशि थरूर, तेरे को मैंने 50 बार समझाया, ये इंग्लिश के भारी भारी वर्ड है ना, मेरे सामने मत यूज किया कर यार, पहले ही पल्ले नहीं पड़ती अंग्रेजी मेरे, तभी तेरे को शायद लगता कॉलेज में ना सारे सस्ता शशि थरूर बुलाते थे। और तुझे क्या कहते थे, प्ले बॉय? गुलाटी। क्या हो गया शिवांगी? मैं पूछ रही थी, सब्जी ले आए तुम? अरे तो ये बात तो मेरे से फोन करके भी पूछ सकती थी ना, इसीलिए फोन बने हैं, पूरे मोहल्ले को बताने की जरूरत है। ओके यार गुलाटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। तू एक मिनट जाएगी कैसे? तू काम कर, मेरी गाड़ी ले जा, ठीक है, और मैं तेरा ये पंचर लगवा दूंगा। अब ठीक है, थैंक यू, बाय। मेरा बस चले ना तो इसका टेरेस पे आना बंद करवा दो। लेकिन क्या करूं, टेरेस तो सबका है ना। हाय शिवांगी, एक सेकंड, कैसी हो? फिलहाल तो बिजी हूँ। ओके, सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम नाउ। हो, तुमने मुझे हद नहीं बोला, तुम फैट शेम कर रही हो। ओह माय गॉड, जैसा हस्बैंड वैसी वाइफ। देखो, मेरे कहने का मतलब था कि जो हम दोनों के बीच में ये ऑकवर्डनेस है ना, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। सी आई नो कि मैं और गुलाटी एक टाइम पे एक्स रह चुके हैं, बट अब हमारे बीच ना ऐसा कुछ भी नहीं है, और ही इज अ वेरी स्वीट गाय, और मैं खुश हूँ कि तुम दोनों एक साथ हो। थैंक्स। हमारे ब्रेकअप के बाद भी हम दोनों मिला करते थे एज फ्रेंड्स, और तब भी हमारे बीच में कुछ भी नहीं था, वी वर जस्ट गुड फ्रेंड्स। ओ मैडम, ये ब्रेकअप के बाद ना कोई भी लड़का लड़की फ्रेंड्स नहीं होते, ये ना आजकल के चोचले हैं हुकअप फ्रेंड्स के, मुझे मत बताओ ये सब। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो इवन ना घूमने भी जाया करते थे एक साथ बाहर, जब मेरा कॉलेज ओवर हो जाता था। एक सेकंड, तो वो उत्तराखंड आता था या तुम दिल्ली आती थी? उत्तराखंड कहाँ से आ गया बीच में, मैं तो हमेशा से ही दिल्ली में रहती हूँ। गुलाटी ने बताया ना तुम्हारा कॉलेज उत्तराखंड में था। देखो हाँ, मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ था, बट मैं कभी गई नहीं, मैं हमेशा से ना दिल्ली में पढ़ी हूँ, और उसके बाद मैं और गुलाटी मिला भी करते थे, एंड वी हैव हंग आउट। तुम दोनों बाहर साथ में लटकते थे? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा मतलब है कि हम चिल करा करते थे। एनीवेज, मैं ना लेट हो रही हूँ, आई विल सी यू, बाय। आगे मिस्टर गुलाटी, तो कैसा था आज का दिन? बहुत ही ज्यादा बेकार, आपने बॉस कहा था गधा मजदूरी करके आ रहा हूँ, साला फाइलों में गलतियां खुद करेगा, क्लाइंट के आगे नाम मेरा ले लेगा, छुट्टियां कहीं का, कभी कभी तो मन करता ना फोड़ दूँ साले को मैं ऑफिस के अंदर ही, लेकिन फिर साली सैलरी बीच में आ जाती है। कोई नहीं बेबी, सबके अपने अपने रीजन होते हैं, जैसे लोगों के ब्रेकअप के भी अपने रीजन होते हैं। क्यों? खाने में क्या बनाया तूने? चाइनीज मंगवाया आज? मैंने आज साग बनाया, पता है कहाँ का स्पेशल है? उत्तराखंड का। कुछ याद आया? उत्तराखंड? अरे मेरे नानी भी तो उत्तराखंड से ही है, उनको भी वहाँ का साग बहुत पसंद है। कौन सी नानी? श्रेया नानी? पागल होगी तू, मेरे नानी का नाम तो शांति देवी है। अच्छा, तो उत्तराखंड का बिजनेस कुल तेरी नानी ने बनाया था या तूने? मेरी नानी? अबे मेरी नानी तो बुजुर्ग हो चुकी है यार, वो कैसे बनाएगी बिजनेस कुल? देख गुलाटी, बहाने मत दे, साफ साफ बता जो मैं पूछ रही हूँ। सच सच बता रहा हूँ यार, मेरी नानी का नाम शांति देवी है। अबे और जो ये नहीं, ये कि श्रेया उत्तराखंड गई थी या नहीं? नहीं। तो तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? तुझे कैसे पता? डजंट मैटर। तो तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? मैं यार वो तो छोड़ ना यार, क्या तू उन फालतू की बातों को लेकर बैठ गई है? और मेरे पास था यार, शिवांगी तू मेरा प्रेजेंट है। तो सच बता रहे हैं? मैं मम्मी को फोन घुमा, अपनी मम्मी को ना मिला ले दोनों की, और फिर आराम से निपटना तू दोनों की मम्मियों से। पागल हो गई क्या तू? अपनी वाली को तो मैं इतनी मुश्किल से संभाल रहा हूं, तू अपनी वाली को और बुला ले यहां पे। तो बता ना यार, यार वो उसके पापा थे ना अमरीश पुरी की औलाद, देखने मरा का विलन आदमी है यार वो, मेरे को कहता है कि अपने प्यार को छोड़ दे और धमकी देने लग गया यार। तूने ब्रेकअप कर लिया? नहीं, मैंने बोला इतने कम पैसे में थोड़ी ना अपने प्यार को कुर्बानी कर दूंगा मैं। तो तूने पैसों के लिए ब्रेकअप किया? अबे दिए कहां उसने यार, बहुत कम पैसे दे रहा था, मैंने कहा मेरे प्यार को इतने कम पैसों में तो मत तोल कम से कम, फिर उसने रकम बढ़ाई, मैंने छोड़ दिया पैसे लेके। तू गुलाट
थी, तूने ब्रेकअप करने के लिए पैसे लिए। मैं अच्छा हुआ ना पैसे ले लिए यार शिवांगी, और ब्रेकअप हो गया मेरा। अगर ब्रेकअप ना होता तो तू मुझे कैसे मिलती और हमारी शादी कैसे होती? देख ये फ्लर्टी लाइन ना आज नहीं चलेगी तेरी मुझ पे। तब तू क्या चाहती है मेरे से? यही कि तू मुझे सच सच बता दे ना क्यों ब्रेकअप किया। ये फालतू के ना रीजंस मत दे, क्योंकि ये तेरा रीजन कम और 90s की स्टोरी लग रही है जिसके लास्ट में हीरो भी तू है और विलन भी तू है। देखो शिवांगी माता जी, आप प्लीज लोगों को माफ कर दो, मैं बहुत थका हुआ आया हूं, मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं फालतू बकवास के लिए, तो मैं चला सोने। कुलाटी लेकिन बता तो दे यार एक बार। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं बेटा कि एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती, इसलिए अब इस सोसाइटी में या तो श्रेया रहेगी या हम, और हम तो ये सोसाइटी छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे होम लोन की EMI अभी बाकी है। इसलिए बेटा श्रेया अपने जाने की तैयारी कर लो। अरे श्रेया तू सुबह सुबह आ गया, तो क्या बात है यार। शिवांगी देख कौन आया है। काम वाली दीदी है ना, उन्हें बोल दो कि वो कभी टाइम पे नहीं आती हैं। अब फटाफट पोछा कर दे पहले। अबे पागल हो रहा, काम वाली आंटी नहीं आई है, श्रेया आई है। अंदर आना प्लीज। ऑब्वियसली यार आना तो था ही, इन पिछले दिनों में कुलाटी तूने मेरी कितनी मदद करी है मैं कैसे बताऊं। पता नहीं कौन है सोसाइटी में जो मुझे चैन से जीने ही नहीं दे रहा है। छोड़ ना यार, पर ऐसे कोई खास हेल्प नहीं करे मेरे तेरी, और वैसे भी एक लड़का और उसकी एक्स दोस्ती हो सकते हैं क्या, बता। गुलाटी तू और तेरे डायलॉग कभी नहीं सुधरेंगे ना। तुम्हें गुलाटी इतना ही पसंद है तो तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया? छोड़ ना शिवांगी यार, तू फिर वही बात लेके बैठ गया। अरे नहीं मुझे आज सच में जानना है, तुम लोग ने ब्रेकअप क्यों किया? क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? अबे यार बता दू। अबे यार देख मैं थर्ड ईयर में फेल हो गया था और इसकी लग गई थी जॉब, और फिर हम दोनों में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लगी ना इस वजह से कि हमारे एक तो टाइम नहीं मैच हो रहा था और ना ही हमारी बातें मैच हो रही थी, और प्यार तो हमारे बीच में रह ही नहीं रहा था क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हमने सोचा यार इतनी जब कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम्स आ रही है क्यों ना इसको छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, ज़िंदगी यार रुक तो नहीं जाती ना, और यही रीज़न था, और यही मैं तेरे को बताने के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था। इसीलिए आज तक ना तुमसे डरता था रियल रीज़न बताने में, फटती थी इसकी। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे कोई बात नहीं डार्लिंग, ऐसे बड़े बड़े देशों में ना छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऐसे घटिया डायलॉग मारने बंद कर दे तू, नहीं तो फिर ब्रेकअप हो जाएंगे तेरे। आ जाओ केक काटते, आ जाओ आ जाओ। बहुत टेस्टी केक है, अगर तुम ऐसी केक बनाओगे ना तो हमारे घर में हमेशा वेलकम है। थैंक यू सो मच, बट अब मैं सोसाइटी को छोड़ के जा रही हूँ, वो मम्मी पापा की ना तबीयत खराब रहती है, और वैसे भी टाइम का तो कुछ पता ही नहीं आजकल, इसलिए सोचा कि लास्ट टाइम गुड बाय कर देती हूँ एक छोटे से केक के साथ। क्या बात कर रही सही में? चल आई एम वेरी ग्लैड कि तू हमारी सोसाइटी में रही, क्योंकि इस समय तो दो बातें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। क्या? कि मेरी बीवी को ना मुझ पे एक पैसे का भरोसा नहीं है, और दूसरी दो पैसे का विश्वास नहीं है। तुम दोनों ना हमेशा ही लड़ते रहोगे। देखो मेरी ये फ्लाइट, मुझे हो रहा है लेट, मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। ओके ओके।
बाय कुछ भी कहो लड़की बहुत प्यारी है रही। अच्छा और मैं तू चुप ही रह देख लेना तेरे चक्कर में कितना रायता फैल गया था अब तो गई वो खुश हो गई होगी तू। बेटा गुलाटी जब जब रायता फैलेगा ना तब तब तू ही पोछा मारेगा क्योंकि तू ही तो है मेरा मिस्टर परफेक्ट। अच्छा अपने पति पे तू शक करती है तो कोई शर्म नहीं आती भगवान है ना पाप लगाएगा तेरे को वो भी गद्दे वाला। सह लूंगी लेकिन बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरे पति के साथ कोई गुलू गुलू करेगा ना तो धोपतूंगी मैं उसको। अच्छा बहुत बड़ी गुंडी है तू तेरे लिए वो भी बन जाएगा मैं। तू मुझे बताने में इतना शर्मा क्यों रहा था तू पहले ही बता देता गुलाटी ये सब कुछ तो इतना रायता ही नहीं चलता ना। अरे यार शिवांगी मुझे है ना लोगों ने जिंदगी में बहुत बड़ा फेलियर ही समझा हमेशा अपने क्लास में अपने स्कूल में अपने कॉलेज में हमेशा लोगों ने मेरे को सिर्फ फेलियर वाली नज़रों से ही देखा है कभी मेरे टीचरों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं करा यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी जो थे ना मुझे अभी तक सबसे बड़ी गलती समझते आ रहे थे। लेकिन जब मैं तुझसे मिला ना चाहूँगी तब मुझे पता चला कि यार मेरे अंदर कितना कैलिबर है कितने कुछ करने की हिम्मत मिली मेरे को। बट आई एम रियली वेरी सॉरी यार कि मेरे को इतना एम्बैरस हो रहा था ये सब बताते हुए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में तू कितनी बार फेल हुआ है बट अल्टीमेटली तू अपने लव और लाइफ के एग्जाम में तो हमेशा पास हुआ ना।